हमारे देश के किसान की कई समस्याएं हैं, लेकिन एक बात अगर हम देखें, किसान जो खरीदता है वो रिटेल में खरीदता है, और जब बेचता है तो होलसेल में बेचता है। ये उल्टा हो सकता है क्या? वो खरीदे होलसेल में और बेचे रिटेल में, तो कोई उसको लूट नहीं पाएगा, कोई बिचौलिए उसको काट नहीं खाएंगे। जिन लोगों ने डेयरी उद्योग का अध्ययन किया होगा, कोऑपरेटिव डेयरी, इस बात की तरफ आप ध्यान खींचिए, उसकी एक विशेषता है, उसमें किसान होलसेल में खरीदता है, होलसेल में बेचता है। देखिए, ये इसकी बारीकी है। ये डेयरी उद्योग की सफलता के मूल में वो खरीदता है होलसेल में, बेचता है होलसेल में। क्यों? पहले जो दूध उत्पादन करता था तो 10 घर में एक एक लीटर दूध बेचने जाता था, आज 10 लीटर लेकर के एक ही कलेक्शन सेंटर पर चला जाता है, दूध देकर के आ जाता है, बड़ा होलसेल में बेचता है। और वो खरीदता है तो भी डेयरी के द्वारा उसका खानदान है, उसके दवाइयां है, उसकी केयर करने की है पशु की, ये सारी व्यवस्था सामूहिक रूप से गांव को मिलती है। उसका एक परिणाम आया कि डेयरी में उसको कोई न कोई ताकत मिलती रही, वो बचता रहा, अतिरिक्त आय का साधन बना। बाकी हर क्षेत्र में उसकी एक कठिनाई है। हम अगर यही मान लीजिए वो प्राइवेट को होलसेल में दूध देता तो इतनी कमाई नहीं होती, वो कोऑपरेटिव था और इसलिए उसकी कमाई का के आधार बना। क्या हम ऐसी कोऑपरेटिव मूवमेंट को खड़ा कर सकते हैं जो एक तो परंपरागत चली आ रही है, पहले 5 मंडली थी, वो लोग चलाते हैं, मैं दिखा दूंगा, मैं 6 बना दूंगा, एक नया सहकार का रूप बना है। लेकिन वो 5 चलती हैं, चले, और 10 ऐसे विषय हैं कि जिसमें अभी किसी ने कदम नहीं रखा है। क्या मैं उन नए क्षेत्रों में जाकर के सहकारिता के द्वारा समस्या का समाधान कर सकता हूं क्या? अनगिनत क्षेत्र पड़े हैं जिसमें आज भी सहकारिता क्षेत्र के हवा नहीं पहुंची है। जहां पहुंची है वहां स्पर्धा बहुत है, शुगर होगी स्पर्धा बहुत है, दूध है स्पर्धा बहुत है, जहां पर कुछ न कुछ है वहां स्पर्धा स्वाभाविक भी है। लेकिन ऐसे बहुत क्षेत्र हैं जिसमें एक पीढ़ी को खपना पड़ेगा, तब जाकर के सहकारिता की ताकत बढ़ेगी।